ढोल नगाड़े नगाड़े बजाड़े एक महाप्रभावकारी हो चुकी है। शुगमालियों से छोटी काछी मंडी की हो चुकी है और देवी देवताओं का आगमन हो चुका। सो गाइस इन दिस वीडियो वी आर शिवरात्रि महाशिवरात्रि छोटी काछी मंडी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक ऑन चैनल। आप देख रहे हैं इनफेम कोराजोन। सो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू ठाकुर। सो गाइस आज हम जानेंगे शिवरात्रि के बारे में। इस वीडियो हम कंप्लीट बात करेंगे शिवरात्रि के 7 दिन कैसे रहते हैं। यूं तो साल के हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फागुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ पहली बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। यूं तो शिवरात्रि की शुरुआत शिवरात्रि से कुछ दिन पहले शुरू हो जाती है, जब देवी देवता अपने मूल स्थान से मंडी के लिए रवाना होते हैं। तो रास्ते में जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। जो देवी देवता पैदल आते हैं, श्रद्धालु पैदल आते हैं, देवी देवताओं को अपने कंधों और पीठ में उठा के जो है मंडी तक ले आते हैं। कई दुर्गम रास्तों को पार करके देवी देवता अपने श्रद्धालुओं के साथ मंडी के लिए रवाना हो जाते हैं। इसमें कुछ देवी देवता पैदल आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हैं, तो उसके बाद मंडी पहुंचते हैं। इसके लिए उनको हफ्ते लग जाते हैं, कईयों को महीने लग जाते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। तो कुछ देवी देवता गाड़ियों के माध्यम से मंडी तक आते हैं। अब जहां देवी देवताओं का रात का विश्राम होता है, वहां जो भक्तजन हैं अपने देवी देवताओं को और अपनी थकान को दूर करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहां आप अपने सारे दुख दर्द और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और इसके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से आप अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जितने भी भक्तजन होते हैं तो वो अपने प्रभु को खुश करने के लिए भजन का माध्यम लेते हैं, तो रात को भजन करते हैं। एक नई सुबह और एक नया सफर के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हम अपने लक्ष्य के और पास आ जाते हैं। तो सुबह देवता अपने स्थान से निकलते हैं जहां रात्रि का प्रावधान होता है। तो सुबह एक नई एनर्जी के साथ देवलू लोग जो है देवता को अपने साथ लेकर आगे चलते हैं। रास्ते में देवते के स्वागत के लिए उनके भक्तजन धूप बत्ती हाथों में थाली लेके उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रभु जो हर साल आते हैं। भक्तों को दर्शन के लिए अब एक और साल का इंतजार करना पड़ेगा, अगली साल, अगली शिवरात्रि, अगली महाशिवरात्रि। अब जहाँ जहाँ देवता जाते हैं तो वहाँ वहाँ देवता के भक्त अवश्य होते हैं। तो यही भक्त रास्ते में देवता को रोकते हैं और देवता को रुकना पड़ता है, और ये जो है अपना आतिथ्य देवता को प्रस्तुत करते हैं। इसमें देवता के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं जो श्रद्धालु लोग होते हैं, और जो देवलुओं के लिए चाय और पानी का इंतज़ाम किया होता है। इसी बहाने जो देवलु लोग होते हैं वो थोड़ा विश्राम करते हैं, और प्रसाद और पानी चाय को ग्रहण करके एक नई ऊर्जा उनमें आती है, ताकि वो आगे का सफ़र अपना आसानी के साथ पैदल तय कर सके। अब वो समय आ चुका था जब हम लोग पहुंच चुके थे मंडी में। तो सबसे पहले हर देवता की देखिए अपनी अपनी स्टोरी होती है, और मैं जो इस बार कवर करने जा रहा हूँ बिट्टू नारायण जी की स्टोरी। तो सबसे पहले जब बिट्टू नारायण जी मंडी में पहुंचते हैं, गुरुद्वारे के पास पहुंचते हैं, तो उनको उनका जो स्वागत करने के लिए सबसे पहले जो माधव राय की तरफ से जो छड़ी आती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हो सकता है हर देवते की अपनी स्टोरी है। तो पुरातन काल से ही जब बिट्टू नारायण जी मंडी में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए माधव राय जी की सबसे पहले छड़ी आती है, तो उसके बाद ही आगे बिट्टू नारायण जी मंडी शिवरात्रि में प्रवेश करते हैं। ऐसे बहुत कम देवी देवता जिनको लेने के लिए जो है माधव राय की छड़ी आती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन देवी देवता है जिनको मंडी में आने से पहले माधव राय की छड़ी आती है, तो उसके बाद ही मंडी में प्रवेश करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कौन कौन देवी देवता है जिनको आप जानते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा जब भी बिट्टू नारायण जी अपनी राइड से बाहर आते हैं या मंडी शिवरात्रि में आते हैं तो उनके आगे आगे जो ये दो मुखौटे हमेशा चलते हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ गाइज। जब भी बिट्टू नारायण जी कोई पुल को क्रॉस करते या नदी को क्रॉस करते तो सबसे पहले ये आगे आगे ये मुखौटे चलते हैं और उस टाइम जो है फागली का बाजा बजाया जाता है। जैसे इस टाइम जब मंडी पुल को क्रॉस करते तो उस टाइम फागली बजाई जाती है। तो एकमात्र देवता ऐसे है ये मंडी शिवरात्रि में, तो इनके साथ जो मुखौटे हमेशा आते हैं। और इनकी मुखौटों की एक खास बात और है, कई बार होता है ऐसा कि देवता जो है धर्म संकट में कहीं फंस जाता है, तो तब इन मुखौटों का काम होता है कि देवता को वहाँ से बाहर निकाल, इनका काम होता है कि देवता को मनाते हैं और देवता को घर वापस ले जाते हैं। और इसके अलावा जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है उनको भी देवते के पास आने से रोकते हैं। ये जो मुखौटे होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली मुखौटे होते हैं और इसकी जो एक फागली होती है जो कि हर 3 साल बाद होती है, तो ये मुखौटों में इतनी पावर होती है कि हमने कई बार देखा है कई देवी देवता इन मुखौटों से डर जाते हैं, वो इन मुखौटों के पास नहीं आते। तो जब भी आप उनके सामने इन मुखौटों को रखेंगे वो दूर हट जाएंगे। तो ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं इनमें, इन मुखौटों में। हो सकता है कुछ एक लोगों को ये बात मेरी बातों से सहमत नहीं हो कि वो सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इन जो मैंने आपको चीज़ें बताई मैं उतना ही बता रहा हूँ कि जितना ये जो हमने प्रमाण देखा है, अपने से मैं कोई ऐसी अपनी काल्पनिक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ कि ये ऐसा है। तो जो हमने देखा है जो इसके पीछे की स्टोरी वो मैंने आपको बताई है। अब कुछ एक लोग हो सकते हैं जो इस बात से सहमत ना हो, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं देव मिलन के बारे में। देव मिलन जब दो देवता आपस में मिलते हैं तो उसको देव मिलन कहते हैं। तो इस बार एक ऐतिहासिक देव मिलन हुआ बाड़ूनाग और बिट्टू नारायण जी का। बाड़ूनाग जो कि 142 साल के बाद मंडी शिवरात्रि में है, तो वहीं इन दोनों देवताओं का जो है एक भव्य देव मिलन हुआ। तो इसके हज़ारों के हिसाब से लोग साक्षी हुए और एक ऐतिहासिक पल हो गया, क्योंकि बाड़ूनाग जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के देवता है और बिट्टू नारायण जी मंडी के। तो इन दो देवताओं का महामिलन हुआ, तो हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने ये जो चीज़ है, ये जो पल है साक्षात देखा। तो ऐसे पल शायद कभी देखने को मिले, तो ये इसे कहते हैं देव मिलन। बाड़ूनाग जी को भगवान बलराम का स्वरूप मानते हैं और भगवान बिट्टू नारायण जी को नारायण का। तो ये दो महाशक्तियों का महामिलन हुआ, ऐसा आप बोल सकते हैं कि दो भाइयों का मिलन हुआ। तो ये हमें एक मंडी शिवरात्रि में इस बार एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, इन दो देवताओं का जो महामिलन हुआ। एक क्वेश्चन मेरा आप सब लोगों से कि आप देव मिलन के बारे में क्या समझते हैं, देव मिलन क्या है? हमने कई बार देखा कि हम लोगों की जो आपसी रंजिश हो जाती है आपस की लड़ाई की वजह से, जो देवताओं का जो देव मिलन है कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। हमने कई बड़े बड़े देवताओं का देखा है कि आपस में नहीं मिलते हैं, उनका देव मिलन रोका गया है। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ ये देव समाज में हमने देखी है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब वो समय आ चुका है जब बिट्टू नारायण जी पहुंच चुके हैं राजा के बेड़े में। तो यहाँ होते हैं माधव राय जी। तो यहाँ माधव राय जी की पालकी होती है, उनकी मूर्ति होती है। तो यहाँ से जो है जलेब की शुरुआत होती है। हर देवी देवता सबसे पहले यहाँ आते हैं, माधव राय जी के पास आते हैं। तो यहाँ आना एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मंडी का राजा जो है माधव राय है, तो राज्य के पास सभी देवी देवता आते हैं। तो उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम शुरू होता है, जलेब होती है और बोल सकते हैं कि शिवरात्रि तभी शुरू होती है जब माधव राय की पालकी चलती है और माधव राय के पास जब सभी देवी देवता आते हैं, तो उसके बाद जो असली शिवरात्रि की शुरुआत होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि माधव राय कौन है, माधव राय का शिवरात्रि में क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि माधव राय जो है भगवान श्री कृष्ण का रूप है, तो भगवान श्री कृष्ण को ही माधव राय के नाम से जाना जाता है। तो मंडी में उनकी स्थापना कैसे हुई इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये बात है 17वीं सदी के दौरान मंडी रियासत के राजा तब सूरज सेन हुआ करते थे। तो और उनके सभी 18 पुत्रों की मौत हो गई और उन्होंने अपना राजपाट भगवान श्री कृष्ण के रूप यानी राज माधव राय के नाम कर दिया और खुद सेवक बन गए। तब से इन्हें मंडी रियासत का राजा माना गया है। क्या आप जानते हैं कि हर देवी देवता की अपनी कहानी है मंडी शिवरात्रि की? जैसे कमरूनाग टारना में ही क्यों विराजमान होते हैं, टारना मंदिर में क्यों विराजमान होते हैं? और जब आप कमरूनाग के दर्शन करते तो सबसे पहले माता टारना के दर्शन करने पड़ते, उसके बाद कमरूनाग के दर्शन होते। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? अब माता बड़वाखन को ही ले लीजिए। माता बड़वाखन को रात को जो है लोहे की जंजीरों से बांध के रखा जाता है, ऐसा क्यों?
अब पुरातन काल में ऐसा बोलते कि जो चुंजवाला ऋषि है, चुंजवाला देव है, महादेव, उनका जो मोली मुख था पहले, वो राजा से बात करता था। तो आपने सोचा ऐसा क्यों? आप कभी ध्यान से सोचना इस बारे में। और हम अगर बात करेंगे इस वीडियो में, अगर हम ऐसी बात करेंगे कि हर देवता की अलग अलग कहानी है, अपनी अपनी एक राजा के साथ जो कहानी है, स्टोरी है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकती कमेंट करके कि आप जो अगली वीडियो है किस देवता के ऊपर जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या टॉपिक है, किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और ऐसा है, ये जो चाल और चलन है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चले जैसा चला हुआ है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो, और अगली वीडियो में बात करूंगा जलेब के बारे में, जलेब क्या होती है, कहाँ से निकलती है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम उसकी। और अगर आप चाहते हैं कुछ अलग सा टॉपिक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी मैं काम करूंगा और आपके लिए उसको ज़रूर लाऊंगा। और आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय।